हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स पर। बाबू कुछ और बेसिक टर्म, वैसे तो मेरा टारगेट आज कुछ ज़्यादा था पर हो नहीं पाएगा आज उतना पूरा। मैं 3 से 4 टर्म सोच के आया हूँ, देखते हैं कितनी पूरी कर पाते हैं। ठीक है जी, एक बार फटाफट से ना मुझे एसेट्स का क्लासिफिकेशन याद कराओ, मैं भूल रहा हूँ। एसेट्स 2 तरीके की होती हैं, नॉन करंट एंड करंट। करंट एसेट्स क्या होती हैं? विच इज टू बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन, जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट है। बाबू कुछ एक्सटेंड तक आप ऐसे भी बोल सकते हो, वो चीजें भी करंट एसेट्स होती हैं जो आपको 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे देंगी। ठीक है ना, लिखना नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है ना, लिखा वही रहने दो, लेकिन मैं आपकी डेफिनेशन को और सुधार रहा हूं। वो चीजें भी करंट एसेट्स होती हैं जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे जाएंगी, अभी मिलेगा एग्जाम्पल इसका। ठीक है ना, और नॉन करंट एसेट्स इट इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, और इसके भी दो पार्ट होते हैं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? एग्जाम्पल नहीं पूछा। विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन, आप पता है तुम्हारे अंदर कमी यही है। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिक्स्ड एसेट, आप लिख क्या तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, फिर पूछ तो नंबर क्यों नहीं मिला। मैंने क्या पूछा था? फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, और तुमने क्या राग शुरू किया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो बिजनेस में रिटर्न देती हैं 1 साल के बाद, जैसे कि मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हूँ। ठीक है जी, और फिर मैंने उसके दो पार्ट करे थे, फिक्स एसेट्स के टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है जी, चलो अब हम टोटल 9 टर्म्स लिख चुके हैं, 10th वन। सिर्फ लिख, कुछ भी नहीं करना आपको, आप सब सामने देख रहे हो, आपको कुछ नहीं करना। 10th टर्म का नाम है बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। लो बेटा ये क्या चीज होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा प्रीपेड, जैसे कि बेटा आज की तारीख में हम सब सिम कार्ड यूज करते हैं, जो हम सिम कार्ड यूज करते हैं क्या वो प्रीपेड है? क्या वो प्री, पता है आपको, जो हम सिम कार्ड यूज करते हैं वो प्रीपेड होते हैं। व्हाट यू मीन बाय प्रीपेड बाबू? आज मान लो 1st ऑफ अप्रैल है, और बेटा मैंने अपने मोबाइल फोन में रिचार्ज करा फॉर 3 मंथ। ठीक है ना, आज मैंने रिचार्ज कर दिया फॉर 3 मंथ, यानी कि बेटा अब 30th जून तक मुझे रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आज ही 30 जून तक पेमेंट कर चुका हूं। सर यही तो होता है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब समझते हो, आज पे कर दो फिर यूज कर देना। सिंपली बोलूं तो बेटा प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। सर नाम से सोचो ना, नाम ही क्या है, देखो प्री पेड, पहले ही पे कर दिया, दैट मींस पेड इन एडवांस। बाबू बहुत सारे बिजनेस में ऐसे खर्चे होते हैं जो प्री पेड होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दे दिया, मैं बिजनेस में एक बिजनेस नंबर यूज करता हूं, आज 1st ऑफ अप्रैल को मैंने उसका रिचार्ज कर दिया फॉर 3 मंथ, क्या मैं एडवांस पे कर चुका हूं बेटा? क्या मैं एडवांस पे कर चुका हूं बेटा 3 मंथ का? कर चुका हूं कि नहीं कर चुका? मैंने आज पे कर दिया, इसका बेनिफिट मुझे 3 मंथ के लिए मिलने वाला है। ठीक है जी बाबू, 1st ऑफ जून को मैंने एक स्टाफ रखा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है जी, और उसने बोला कि मैं सैलरी एडवांस लूंगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप एडवांस ले लेना। बेटा मैंने आज ही उसको 1st जून को सैलरी दे दी फॉर 1 मंथ, और ये 1 मंथ बेटा एक्सपायर होगा ऑन 30th जून। सर आज ही दे चुका हूं मैं सैलरी, क्या आपको नहीं लगता ये सैलरी प्रीपेड है? आपको नहीं लगता बेटा ये सैलरी प्रीपेड है? मैंने आज ही दे दी बेटा, इसका बेनिफिट अगले पूरे महीने मुझे मिलने वाला है। ठीक है जी, मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाया हुआ है बेटा, इट इज प्रीपेड मीटर। सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये
ये प्रीपेड मीटर लगवाया हुआ है मैंने बाहर, ठीक है ना जी बाबू। जैसे ये मंथ स्टार्ट हुआ मैंने इसमें 5000 का रिचार्ज करा दिया। अब चलने को ये एक महीना डेढ़ महीना पता नहीं कितने दिन चल जाए बेटा। बाबू आपको नहीं लगता कि ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस पे कर दिए, इसका बेनिफिट मुझे नियर फ्यूचर मिलने वाला है? अभी मिलने वाला है क्या? नहीं, कुछ दिमाग ऐसे खनक जाना चाहिए था अब तक। कुछ खनका? मैं एक बात बोलूंगा जिसको समझ में आ जाए हैंड रेस कर लेना, पहले ही आ गई शिविका को। प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ और नहीं करंट एसेट्स होते हैं। अभी मैंने करंट एसेट्स की डेफिनेशन थोड़ी इंप्रोवाइज की थी। करंट एसेट्स क्या होती हैं? हर वो चीज जिसका बेनिफिट मुझे एक साल के अंदर तो मिल ही जाएगा। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा? अगर मैंने सैलरी दे दी एक महीने के एडवांस, क्या एक साल के अंदर बेनिफिट नहीं मिल जाएगा? अरे एक साल छोड़ो, बिल्कुल नियर फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैंने प्रीपेड मीटर का रिचार्ज करा दिया, क्या मुझे बेनिफिट मिल नहीं जाएगा इन नियर फ्यूचर? अगर मैंने अगर मोबाइल फोन का रिचार्ज करा दिया, क्या मुझे बेनिफिट मिल नहीं जाएगा एक साल के अंदर अंदर उस चीज का? तो बेटा हर वो चीज जिसका बेनिफिट मुझे नियर फ्यूचर मिल जाएगा या एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, हर वो चीज करंट एसेट्स होती है। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ और नहीं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द करंट एसेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? प्री पे का मतलब समझा? प्री पेमेंट, ठीक है जी, पक्की बात। बढ़ाऊं बात को आगे? चलो बाबू नेक्स्ट टर्म 11th वन। बाबू 11th टर्म का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब ये क्या चीज होती है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? बाबू समझने की कोशिश करना। इस बार बेटा प्रीपेड सिम नहीं, हमने ना पोस्ट पेड सिम कार्ड लिया, पोस्ट पेड सिम कार्ड ले लिया। पोस्ट पेड समझते हो? नाम में ही सब कुछ है, पोस्ट पेड यानी कि पहले इस्तेमाल कर लो, पूरा महीना इस्तेमाल करने के बाद जब पता लग जाए कि आपने इतना यूसेज कर लिया तो बेटा पेमेंट कर देना, ठीक है ना। आपने पोस्ट पेड सिम कार्ड ले लिया ऑन 1st of April, या आपने अपने बिजनेस के लिए ले लिया, ठीक है ना। अब बिजनेस में आप पता नहीं एक दिन की कितनी आउटगोइंग कॉल करते हो, कितना डेटा यूज करते हो बेटा, ये कहानी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। 30th April आ गई बेटा। अब 30 अप्रैल के बाद बेटा कंपनी आपको बिल रेस करके देगी कि आपका ड्यू अमाउंट कुछ भी है, वट एवर 400 रुपीज है, आपका यूसेज डेटा का इतना है, आपकी इतनी आउटगोइंग कॉल है, या आपका 400 रुपए का बिल बकाया है, इसको जमा करो। यानी कि बेटा जितनी भी पेमेंट ड्यू होती चली जाती है। आप सोचो 1 अप्रैल से मेरे सर पे कर्जा चढ़ना शुरू हो गया कि नहीं? मैंने सिम कार्ड यूज करना शुरू कर दिया, क्या मेरे सर पे बर्डन पड़ना शुरू हो गया कि नहीं? 2nd अप्रैल को और बर्डन बढ़ा, 3 को और बढ़ा, 4th को और बढ़ा, अरे बढ़ता जाएगा 30th अप्रैल तक। जिस दिन मैं पे करूंगा तब जाके ये बर्डन उतरेगा, ऐसे ही होगा ना। और बर्डन है तो लाइबिलिटी है। देखो दिमाग तो तुम्हारा खुद खुद कनेक्ट है बेटा, लाइबिलिटी है ना बेटा और करंट लाइबिलिटी है। क्यों बेटा? बाबू करंट लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? जिसको मुझे पे करना होता है विद इन 1 ईयर, क्या मैं इसको पोस्टपोन कर सकता हूं 1 साल तक? 2 महीने में कनेक्शन काट के साइड करेंगे, मैं पोस्टपोन नहीं कर पाऊंगा इसको सालों में। करंट लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, क्या इसको मेरे को पे करना है 1 साल के अंदर अंदर? पक्की बात? मान लो बेटा फिर वही एग्जाम्पल, 1st of June को मेरे पास एक स्टाफ आता है, मैं उसको सैलरी पे अपॉइंट करता हूँ, वट एवर द सैलरी में भी, लेट सपोज इट इज 15,000 पर मंथ, 500 रुपये रोज पे मैंने उसको रिक्रूट कर लिया, 500 रुपीज डेली, 30 डेज के 15,000, ठीक है जी। अब मैंने उससे तय करा कि सैलरी मंथ कंप्लीट होने के बाद मिलेगी,
अब बेटा मैं उसकी सर्विसेज लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ। आज 10th of June है। आपको नहीं लगता कि मेरे सर पे बर्डन बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है? 10 दिन का बर्डन मेरे ऊपर ही बढ़ चुका है, क्योंकि सर्विसेज तो मैं ले चुका हूँ और पे मैंने अभी तक किया नहीं है बेटा। ठीक है ना बाबू? यही कहानी चलती रही चलती रही चलती रही, और 30th June को जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ, मैंने अब बुलाकर उसको पे कर दिया। लेकिन बेटा ये 30 पूरे 30 दिन मैंने उसको 1 रुपए की भी अमाउंट पे नहीं करी। ये कुछ और नहीं बेटा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ही तो है। आउटस्टैंडिंग मतलब विच इज ड्यू, विच इज नॉट पेड येट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? वो एक्सपेंसेस जिनको आपने अभी तक पे नहीं करा, ठीक है ना? विच आर नॉट पेड येट, विच आर ड्यू, ठीक है ना बेटा? तो आप खुद देखो बेटा, क्या मैंने पूरे महीने पे करा? ये पूरे महीने ड्यू ही तो रहे बेटा, ये पूरे के मगरे महीने आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएंगे, ठीक है ना? मैंने इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाया, ये बिल्कुल वही मीटर है जो आपके घर पे लगा हुआ है, पोस्टपेड मीटर। मैं यूज करी जा रहा हूं, करी जा रहा हूं, करी जा रहा हूं, 1 महीने के बाद ही तो आता है मेरे घर बिल। 1 महीने तक मैंने पे तो नहीं करा, ये ड्यू ही तो है बेटा, इट इज नॉट पेड येट। क्या बोलूंगा इसको? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जगह रेंट पर है, मैं पूरे महीने रेंट नहीं देता, पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद रेंट देता हूं। सर क्या बोलूंगा पूरे महीने इसको? आउटस्टैंडिंग रेंट, विच इज ड्यू इन नेचर, विच इज नॉट येट पेड। और अगर एडवांस पे करने लगो रेंट तो मैं बोलूंगा अभी तो मेरे को मेरे लैंडलॉर्ड ने सर्विसेज देनी है, इट इज अ प्रीपेड रेंट, ठीक है ना बेटा? तो किसी चीज की पेमेंट मैं एडवांस भी कर सकता हूं, किसी चीज की पेमेंट मैं मंथ कंप्लीट होने के बाद, 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद, 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी कर सकता हूं। एडवांस पे करूंगा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज करंट एसेट्स, ठीक है ना? और अगर मैं बेटा ड्यू रखूंगा, पे नहीं कर रहा एडवांस, तो मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा करंट लाइबिलिटीज होते हैं बेटा, जिनको मुझे पे करना है विद इन 1 ईयर। क्या मैं क्लियर हूं प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? अंश समझ आ रहा कुछ कुछ? ठीक है जानवी, ओके ठीक। चलो बढ़ाऊं बात को आगे, एक आखिरी टर्म आज के लिए, ठीक है जी? गुस्सा तो नहीं कर रहे ना? अच्छा, आप ऐसे देखते हो ना, मुझे डर लगता है आपसे। चलो बाबू, एक आखिरी टर्म आज के लिए, टर्म नंबर 12। टर्म का नाम है बेटा डिस्काउंट। डिस्काउंट हिंदी में बोलू तो बेटा कुछ ना कुछ छूट, ठीक है ना जी? सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बनेगी अकाउंट्स के लिए, ठीक है? इसको बहुत आराम से समझना, ठीक है बाबू? मेरा एक एग्जांपल चल रहा है, लगभग लगभग 2 दिन से मैं एक जैसी बात कर रहा हूं। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया फुटवियर का, ठीक है ना? यही एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मेरी दुकान पे एक कस्टमर आता है, कहता है मुझे 1 पेयर ऑफ शू लेने हैं, 1 पेयर की क्या वैल्यू है बता दो। मैंने कहा इस एक जोड़ी जूते की कीमत है 2500 रुपए, 2500 रुपए का है ये 1 पेयर। उसने कहा अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी लूं तो क्या कुछ डिस्काउंट दोगे? मैंने कहा कितने पेयर ऑफ शूज लेने? कहता है सेम 100 पेयर, 100 पेयर ऑफ शूज लूंगा, बताओ क्या डिस्काउंट दोगे? बाबू ये जो वो 100 पेयर्स मुझसे खरीद रहा है, आपको नहीं लगता क्या एक बल्क ऑर्डर है मेरे पास? कहां मैं रोज एक एक जोड़ी जूता बेचता हूं और आज 100 पेयर ऑफ शूज पे बात आ रखी है, क्या आपको नहीं लगता एक बल्क ऑर्डर है? और क्या बल्क ऑर्डर पे नॉर्मली हर कोई डिस्काउंट दे देता है? किसी भी बाजार का नियम है बार्गेनिंग, आप बार्गेनिंग करो डिस्काउंट तो पक्का लेके आता इंसान कुछ ना कुछ, ठीक है ना बेटा? तो बाबू वो मुझसे बार्गेन कर रहा है कि मैं 100 पेयर ऑफ शूज लूंगा,
आप मुझे कितना डिस्काउंट दोगे ये बताओ, तभी लूंगा, कुछ डिस्काउंट दोगे तो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो वैसे तो 100 pair of shoe की कीमत 2.5 lakh rupees है, 2,50,000 है, लेकिन क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो तो बल्क में खरीदने पर हम 10% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। बाबू 2,50,000 का 10%, 25,000। मैंने कहा मैं आपको 25,000 का डिस्काउंट दे दूंगा, आप मुझे नेट अमाउंट पे कर दो 2,25,000। उसने कहा एग्रीड, और वो मुझे 2,25,000 rupees देकर 100 pair of shoes ले गया। ठीक है जी, सुनना अभी कहानी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई, वार्म अप हुआ है। बेटा जो भी डिस्काउंट बल्क ऑर्डर बल्क क्वांटिटी की वजह से आपको मिलता है, चाहे आप देते हो, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखो बेटा सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा मैं 100 जोड़ी जूते लेता हूं, बता कितनी डिस्काउंट देगा, उसने आपको 10% डिस्काउंट दी। आपकी दुकान पे कोई आया, कोई बल्क क्वांटिटी खरीद रहा, आपने डिस्काउंट ऑफर करी, क्वांटिटी की वजह से चाहे आप डिस्काउंट दे रहे हो चाहे आपको डिस्काउंट मिल रही है, दोनों के लिए एक ही टर्म है बेटा, हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना। और एक बड़े काम की बात, बड़े काम की बात, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को मैं कभी भी अकाउंट्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करता। ऐसा क्यों? लो प्यारे बच्चों सुनना बेटा, जैसे ही आज का दिन बीत जाएगा, मान लो आज के दिन मेरी दुकान पे और कोई कस्टमर नहीं आया, एक ही कस्टमर मैंने अटेंड करा और दिन बीत गया। आपको पता है बेटा जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा तो अकाउंट्स में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा आज की सेल्स है 2,25,000। मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखता सेल थी 2.5 lakh, 10% गया 2,25,000। जब मैंने डायरेक्टली ये ही रिकॉर्ड करा तो क्या प्यारे बच्चों कहीं ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड हुई? मैंने तो सीधा ये लिखा रात होते होते कि आज की सेल्स हुई, अपने अकाउंट्स में लिखा 2,25,000। तो कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड हुई? नहीं। और सेम बात बोलता हूं, अगर मैं दिल्ली सामान खरीदने गया था, मैंने 5 lakh का सामान खरीदा और सामने वाले पर्सन ने मुझे 5% डिस्काउंट दिया क्योंकि मैं इतना बल्क में खरीद रहा हूं, सर मैंने सामान खरीदा 4,75,000 rupees का, 5 lakh माइनस 5%, 5 lakh का 5%, 25,000, नेट अमाउंट इज 4,75,000। ट्रेड डिस्काउंट इज नोवेयर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं सीधा लिखूंगा मेरी परचेसेस 4,75,000 है, दैट्स इट। जब मैंने लिखा ही यही कि परचेसेस 4,75,000 है, तो कहीं रिकॉर्ड हुई ट्रेड डिस्काउंट? कहीं गई नहीं बेटा अकाउंट्स में? समझ आई बात? समझ आई बेटा बात? क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर? यानी कि सिंपली बोलें तो परचेसेस और सेल्स रिकॉर्ड करते टाइम कभी ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं जाती, कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? बढ़ूं आगे? अभी खत्म नहीं हुआ। एक और तरीके के डिस्काउंट पे मुझे चर्चा करनी है, सुनना। सीडी, सीडी पे ही करनी है चर्चा। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। चलो जी, बिजनेसमैन तो तू पक्का है बेटे। बाबू आपने एक डेटर को उधार पर गुड्स बेचा, डेटर तो वही कस्टमर होते हैं ना जिनको मैं उधार पर गुड्स बेचता हूं। मैंने एक डेटर को उधार पर गुड्स बेचा worth rupees 10 lakhs, और इस डेटर ने प्रॉमिस किया
कि ये मुझे पे करेगा आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स। मैंने कहा क्या हुआ सोमे, ठीक है? अच्छा, तो बाबू डेटर ने बोला कि मैं 4 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप 4 महीने के बाद देते ना, ठीक है ना। इस पर्सन के साथ मेरे रिलेशन ठीक हैं, ये रोज बिजनेस से सामान खरीदता है हमारे, तो पैसे हमेशा आ जाते हैं, इसलिए मैंने 4 महीने का भी उधार अलाउ कर दिया इसको, ठीक है जी। दिन बीतते गए बीतते गए बीतते गए, 1 महीना बीत चुका है और आज 1 महीने के बाद मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत है, ठीक है जी। मैं इस डेटर के पास गया, मैंने कहा एक काम कर भाई डेटर, वैसे तो तूने मुझे अभी पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद, अभी भी तेरे पास 3 महीने हैं, लेकिन अगर तू आज और अभी मुझे पेमेंट कर दे, आज ही पेमेंट कर दे और अभी पेमेंट कर दे, तो मैं 10% माफ करता हूं, मैं 10% अमाउंट छोड़ दूंगा, मुझे आज ही पेमेंट चाहिए। लेकिन बेटा मैं कर क्या रहा हूं, मैं बेटा प्रॉम्प्ट पेमेंट की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास प्रॉम्प्ट पैसे आ जाए। प्रॉम्प्ट मतलब इमीजिएटली, इमीजिएटली पैसे आ जाए मेरे पास, अभी पैसे आ जाए, मुझे अभी कैश की जरूरत है। तो डेटर ने कहा इससे अच्छा तो मौका नहीं हो सकता, 3 महीने पहले पेमेंट करो और 1 लाख रुपए बच जाए। डेटर ने कहा लो अभी लो। डेटर ने 10% डिस्काउंट के बाद, सर 10 लाख का 10%, 1 लाख, 1 लाख डिस्काउंट के बाद मुझे ये 9 लाख रुपीज पे कर दिए ऑन द स्पॉट। ये जो बेटा मैंने 1 लाख के डिस्काउंट अलाउ करी, ये कुछ और नहीं बेटा, ये सीडी ही तो है, ये कैश डिस्काउंट ही तो है। क्यों बेटा इसको कैश डिस्काउंट बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे आज कैश की जरूरत थी। मैंने कहा तू आज ही कैश पेमेंट कर, अभी कैश पेमेंट कर और ले ले डिस्काउंट। ये मैंने उसको क्वांटिटी की वजह से नहीं दी, ये मैंने उसको क्वांटिटी की वजह से दी, क्वांटिटी की वजह से, बल्क ऑर्डर की वजह से जो डिस्काउंट देता हूं उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड नोवेयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहीं रिकॉर्ड नहीं होती बेटा। प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से, कैश पेमेंट की वजह से, इमीडिएट पेमेंट की वजह से जो डिस्काउंट दी जाती है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और एक बात बताऊं, कैश डिस्काउंट मिल भी सकती है और दे भी सकते हो, मिल नहीं सकती। मेरा कोई क्रेडिटर है जिसने मुझसे पैसे लेने हैं? नहीं हो सकता। सर क्रेडिटर कौन होता है? ऐसी ऐसी शक्लें बनाते हो तो मुझे डराते हो। क्रेडिटर कौन होता है? हर वो सप्लायर जिससे मैं उधार पर गुड्स खरीद कर लाता हूं। मेरा कोई क्रेडिटर है? मैंने उसके 5 लाख रुपए देने हैं, वो मेरे पास आया कि वैसे तो आपने पेमेंट 2 महीने के बाद देनी है, आज दे दो, अभी ले लो 5% डिस्काउंट। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? मैंने कहा ये लो 5% बच रहे आज ही। मैंने कहा ये पकड़ो 4,75,000 आफ्टर 5% डिस्काउंट। मैंने 5 लाख देने थे, 25,000 के बाद ये लो 4,75,000, मुझे तो फायदा ही हो गया। मैंने पैसे आज भी देने थे, मुझे कल भी देने थे, मैंने आज दे दिया, मुझे कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट मिल गई, ठीक है ना। सुन लो, जब भी डिस्काउंट मिलेगी तो हम ऐसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव। जब भी हम डिस्काउंट देंगे किसी डेटर को तो हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी। क्वांटिटी की वजह से मिलने वाली डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिली है ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट दी है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट मिली है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट क्यों मिलती है? प्रॉम्प्ट पेमेंट देने की वजह से या प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने की वजह से? इमीडिएट कैश देने की वजह से, इमीडिएट कैश लेने की वजह से। लेने की वजह से अलाउ करता हूं, देने की वजह से रिसीव होती है, ठीक है जी, पक्की बात। हाँ माधव अर्जुन ओके बात फेस्ट।
कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात है, कर दूं माइंड अप। अच्छा एक आखिरी बात, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट को अकाउंट्स में दिखाया जाता है। जिस दिन दिखाना शुरू करेंगे उस दिन पता लग जाएगा कैसे दिखाया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको कुछ दिन के लिए रटना पड़ेगा कि दिखाया जाता है, बस ये पता है आपको। ठीक है जी, लिख दूं बेटा, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना बेटा, बादलों में ले लिया करो उसको, बारिश भी करवानी है बाद में, ठीक है ना। चलो लो लिखना शुरू करो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।